शारीरिक शिक्षा कल्याण संगठन हिमाचल प्रदेश ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शारीरिक शिक्षकों ने शिमला डीसी ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन कर खाली पड़े पदों को शीघ्र भरने की सरकार से मांग की है और कहा कि अगर एक महीने के भीतर शारीरिक शिक्षकों के 870 पदों को भरने की भर्ती प्रक्रिया को शुरू नहीं किया गया तो वे परिवार सहित अनशन पर बैठ जाएंगे और जो भी पढ़ाई की है उसके डिग्री डिप्लोमा सरकार को सौंप देंगे। बेरोजगार शारीरिक शिक्षा कल्याण संगठन हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष रमेश राजपूत ने कहा कि सरकार ने शारीरिक शिक्षकों के 870 पदों को भरने की भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी लेकिन यह कोर्ट में जाने की वजह से लटक गई थी, लेकिन अब कोर्ट ने मामले को डिसमिस कर दिया, इसलिए सरकार भर्ती प्रक्रिया को शुरू करे। मैं पर्चे ओके सर, मैं सर डॉक्टर रमेश राजपूत, शारीरिक शिक्षा कल्याण संगठन हिमाचल प्रदेश। हम लोग हिमाचल प्रदेश के जितने भी सारे बेरोजगार शारीरिक शिक्षक है वो अपनी मांगों को लेकर, क्योंकि 870 पोस्टें हमारी फिजिकल एजुकेशन की निकाली गई थी, वो किसी जो हमारे हम एजुकेटेड अनएजुकेटेड कुछ पर्सन थे उनकी वजह से हमारा जो ये भर्ती प्रक्रिया है वो कोर्ट के चक्कर में चलेगी, तो वहाँ से अब कोर्ट ने डिसमिस कर दिया है और हमारी भर्ती प्रक्रिया जो है वो अभी शुरू करने की अभी आश्वासन दिया गया था लेकिन अभी तक नहीं हुई। तो हम काफी दिनों से संघर्ष कर रहे हैं और आज जो प्रोटेस्ट का हमारा मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि जो हमारी 870 पोस्टें निकली है उनको भरने की प्रक्रिया शुरू करे सरकार। बेरोजगार सर 22 से 25 हजार के बीच में है और आज हमारे बीच में लगभग 1.5 से 2 हजार लोग बीच में आए हैं और ये सभी इसी के शिकार हुए हैं। देखिए सी, मैं आपको एक चीज कर दूं कि जो अभी हमारे सामने जो बात आई थी कि 1 ईयर डिप्लोमा वाले जो लोग हैं उन्होंने ये अपनी तरफ से एक एप्लीकेशन लगाई है कोर्ट में कि हमें भी भर्ती प्रक्रिया में रखा, इसमें रखा जाए, शामिल किया जाए, लेकिन कोर्ट के जो नियम है, जो RNP रूल्स है, वो उनको फॉलो नहीं कर पाते और ये कोर्ट के चक्कर में चले गए। देखिए सर, मैं आप सभी देख रहे हैं ये 50 से अपर के लोग हैं, सारे सभी आपको नजर आ रहे होंगे, तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये लोग बड़े परेशान है। किसी इनकी एक मन में आशा थी कि हम लोग जो है नौकरी करने के बाद रिटायर होंगे, मुझे लग रहा है कि ये पहले ही रिटायर हो रहे हैं। देखो हम शांतिप्रिय ढंग से ही करेंगे क्योंकि ये अनुशासन से संबंधित लोग हैं, सारे फिजिकल एजुकेशन टीचर है ये और ये अनुशासन सिखाते हैं। हम सरकार से बार बार यही आग्रह करते हैं कि सरकार जल्दी से जल्दी हमारी भर्ती शुरू करे और ऐसी कोई नौबत ना आए कि हमारे बीच में कोई इस तरह की बात हो। कब तक ये शांतिप्रिय प्रोटेस्ट चलता रहेगा, क्योंकि आपने कहा कि आप लोगों की जो उम्र भी है, तो क्या इसी तरह शांतिप्रिय से आप ढंग से आप बात रखेंगे? देखो हमारा उद्देश्य तो यही है, हम अनुशासन, मैं पहले भी कहा कि अनुशासन से संबंधित लोग हैं, कुछ इस तरह की बात तो हम कर नहीं सकते जो गवर्नमेंट के खिलाफ जाए या कानून के खिलाफ हो। लगता है कि हो जाएगी, तो हमें तो सरकार से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इस भर्ती प्रक्रिया को जल्दी शुरू किया जाए, क्योंकि कोर्ट का जो फैसला वो हमारे जो RNP रूल को फॉलो करते हैं वो लोग है, ये हमारा तो इसमें कोई कसूर नहीं है, वो तो उनकी भर्ती प्रक्रिया उनको रोका जाए, हमारी भर्ती प्रक्रिया तो शुरू होनी चाहिए, जैसे अभी कुल्लू में शुरू की गई थी तो बीच में एक दिन होने के बाद फिर रोक दी गई। तो हो सकता है हम अनशन में बैठे, हमारी अभी चर्चा चली हुई है, हम सरकार से ये आग्रह करेंगे कि महीना एक महीने के अंदर अंदर अगर ये भर्ती प्रक्रिया शुरू करते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम अनशन में बैठ जाएंगे सारे लोग, बाल बच्चे लेके सारे अपने जितने भी सर्टिफिकेट हमारे हैं वो हम सरकार को दे देंगे, उनके हवाले कर देंगे। एनस्टार न्यूज के लिए शिमला से चमन शर्मा की रिपोर्ट।
करो, खुशी करो, खुशी करो। 22 साल से यही पुकार।